फाइनली दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते रिलीज होने वाली पैन इंडिया फिल्म PS1 ने इंडियन सिनेमा के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर एक और नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। और ये फिल्म तमिलनाडु में इस हफ्ते सबसे ज्यादा कमाई करने वाली और तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस पर अब तक सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्म बन चुकी है और रोबोट 2.0, बीस्ट, मास्टर और सभी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए यह फिल्म वहां भी एक नया रिकॉर्ड बना चुकी है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं फिल्म PS1 के इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। जानने वाले हैं दोस्तों कि इस फिल्म ने शुरुआती 3 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई करके कौन कौन से नए रिकॉर्ड बनाए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी PS1 का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे और इस फिल्म को हिंदी में देख चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चोला डायनेस्टी के ऊपर बनाई गई फिल्म PS1 इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते लगभग 4000 स्क्रीन्स पर ही रिलीज की गई और इस फिल्म का क्लैश विक्रम वेदा जैसी बड़ी फिल्म से हुआ। इस फिल्म के लीड में दोस्तों आपको विक्रम, जयम रवि, कार्थी, ऐश्वर्या और त्रिशा नजर आई है। प्रकाश राज और कई सारे बेहतरीन एक्टर्स ने इस फिल्म में सपोर्टिंग स्टार कास्ट का काम किया है। वहीं दोस्तों इस फिल्म का जो बजट है वो लगभग 250 करोड़ रुपए का है। मणिरत्नम सर के डायरेक्शन में बनने वाली दोस्तों इस फिल्म के विजुअल्स तो काफी बेहतरीन है ही, साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म का एक्शन भी दमदार है। दोस्तों बताते चले आपको कि कार्थी ने तो इस फिल्म में इंप्रेसिव काम किया ही है, साथ ही साथ विक्रम का भी काम इस फिल्म में काफी इंप्रेसिव है। और अगर बात की जाए यहां पर इस फिल्म के आज अपने तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म को जहां इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन तो एक हिस्टोरिकल ओपनिंग मिली और तमिलनाडु में यह फिल्म टॉप 3 ओपनर्स में शामिल हुई। अपने दूसरे दिन भी दोस्तों इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से आउटस्टैंडिंग रेस्पॉन्स मिला और यही वजह रही दोस्तों कि अपने दूसरे दिन भी इस फिल्म ने तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस पर एक हिस्टोरिकल ट्रेंड किया। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म शुरुआती 2 ही दिनों में तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस पर लगभग 53 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी थी। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर इस फिल्म के तीसरे दिन के कलेक्शंस की, तो दोस्तों आज की इस फिल्म की जो एडवांस है वो अपने पहले और दूसरे दोनों ही दिनों से कहीं ज्यादा अच्छी है और ये फिल्म आज तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से एक नया रिकॉर्ड बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बताते चले आपको कि अपने पहले दिन दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 80 करोड़ रुपए से भी बड़ी ओपनिंग लेने वाली यह फिल्म तमिल सिनेमा की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर बनी और इस फिल्म ने दोस्तों बेस्ट, वॉल्यूमाई, मास्टर और कई सारी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया, जिसमें दोस्तों इस फिल्म का हिंदी से अपने पहले दिन का जो कलेक्शन था वो 3 करोड़ रुपए का रहा। अपने दूसरे दिन भी दोस्तों इस फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर लगभग 70 करोड़ रुपए की कमाई की और इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म शुरुआती 2 ही दिनों में 150 करोड़ रुपए के आंकड़े को दुनिया भर में पार कर चुकी थी। वहीं अगर बात की जाए इस फिल्म के तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि अपने तीसरे दिन भी इस फिल्म ने आज धमाकेदार एडवांस हासिल कर ली है और अपने पहले और अपने दूसरे दोनों ही दिनों से ज्यादा अच्छी एडवांस आज इस फिल्म की इंडियन बॉक्स ऑफिस पर है। यह फिल्म दोस्तों आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां अपने तीसरे दिन 20 करोड़ रुपए से ज्यादा के एडवांस के साथ ओपन हुई है, तो वहीं दोस्तों मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी में ही दोस्तों इस फिल्म के आज सभी शो हाउसफुल है। यह फिल्म आज अपने तीसरे दिन जहां तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस पर लगभग 25 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर के एक नया इतिहास बना रही है और तमिलनाडु सिनेमा की पहली फिल्म बन रही है जो कि शुरुआती 3 ही दिनों में 75 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करने में कामयाब हुई है। तो वहीं दोस्तों हिंदी में आज के इस फिल्म के जो कलेक्शंस है उसमें स्ट्रांग होल्ड देखने को मिल रहा है और यह फिल्म आज अपने तीसरे दिन हिंदी बॉक्स ऑफिस पर जहां लगभग 4 करोड़ रुपए तक की कमाई कर रही है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का नॉर्थ इंडिया से जो कलेक्शन है वो लगभग 10 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका होगा। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों यह फिल्म आज लगभग 60 से 65 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है, जिससे कि इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन है वो 210 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका होगा। और यह फिल्म दोस्तों तमिल सिनेमा की दूसरी ऐसी फिल्म रहेगी जो कि इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ दुनिया भर में शुरुआती 3 ही दिनों में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी हो। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को ऑडियंस पसंद कर रही है और यही वजह है दोस्तों कि यह फिल्म अमेरिका में भी तमिल सिनेमा की दूसरी फिल्म बनी है जिसने की शुरुआती 3 ही दिनों में $4 मिलियन के आंकड़े को पार कर दिया है। यानी कि दोस्तों अमेरिका से भी यह फिल्म अभी तक 30 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। अगर यह फिल्म दोस्तों इसी तरह से ट्रेंड करती रही तो आने वाले फर्स्ट वीक में ही दोस्तों यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट हो जाएगी। आपको दोस्तों यह फिल्म कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल बॉक्स ऑफिस ब्रेकिंग्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।